ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। फिल्म सोहन ओके प्लीज के एक गाने की शूटिंग हो रही है, जिसमें तनुश्री हैं, नाना पाटेकर हैं, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य हैं। तनुश्री डांस स्टेप कर रही हैं, गणेश आचार्य उन्हें स्टेप बता रहे हैं, पीछे नाना पाटेकर खड़े हैं। लेकिन कुछ ही देर में तनुश्री सेट छोड़कर चली जाती हैं, खुद को वैनिटी वैन में बंद कर लेती हैं। आखिर क्या हुआ जो तनुश्री शूटिंग छोड़कर वैनिटी वैन में चली गई? सुनिए तनुश्री का नाना पाटेकर पर ये सनसनीखेज आरोप। जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई बंदा जिसको आप पर हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको छेड़ रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और जब आपने उस काम के वक्त जिसकी पोजीशन थोड़ी पावरफुल पोजीशन है, आप उसको उससे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो और आपको परेशान कर रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन करूँ। तनुश्री का कहना है कि जब उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से इसकी शिकायत की तो जानबूझकर गाने में नाना पाटेकर के साथ मेरे डांस स्टेप को बढ़ा दिया गया और ये डांस स्टेप काफी अंतरंग थे। ये मामला 2008 का है। 10 साल बाद तनुश्री ने खुलकर नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए, पुलिस में शिकायत की। अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तनुश्री ने महाराष्ट्र महिला आयोग से भी मदद मांगी है, जिस पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। नाना पाटेकर, डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी, डायरेक्टर राकेश सारंग को नोटिस भेजा है, सभी से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने तनुश्री को भी केस की पूरी डिटेल जानने के लिए बुलाया है। ताकि कंप्लेंट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को प्राप्त हो गई है और हमने उसका संज्ञान लिया है। उन्होंने जिनके खिलाफ कंप्लेंट करी है उन सभी को हमने नोटिस भेजी है और हमने उनको ये भी कहा है कि 10 दिन के अंदर वो स्वयं खुद कमीशन के सामने आकर इसके बारे में वो अपना जवाब दे दे। महिला आयोग ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि अब तक इस केस में क्या एक्शन लिया गया है वो बताएं। साथ ही आयोग ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन से कहा कि वो एक आंतरिक समिति बनाकर ऐसे मामलों की जांच करे। अब तक नाना पाटेकर इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। नाना का कहना है जो 10 साल पहले बोला था वही सच है। ये 10 साल पहले जो बोला था वही बोला, क्या बोलना है? कल जो सच था वो आज सच है, आज जो सच है वो कल सच ही रहेगा, वो तो बदलते नहीं रहेगा। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर समेत 4 लोगों के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 34 और 509 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को कंप्लेन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाना पाटेकर को एक बार भी पुलिस स्टेशन बुला के उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, साफ दिखाता है कि पुलिस और सरकार नाना पाटेकर की मदद करना चाह रही है और लिमिटेशन एक्ट का बहाना बना के तनुश्री दत्ता के केस में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है।